मतलब इनका इनके बारे में मतलब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और वो भी अंग्रेजी में कहना चाहता हूँ। अतुल खिरवाड़कर सर इज इनटू बैंकिंग फॉर ओवर 40 इयर्स एंड ऑफ विच ही हैज 15 इयर्स एक्सपीरियंस एट पब्लिक सेक्टर बैंक एंड 25 इयर्स इन ऑफ लीडिंग मल्टी स्टेट शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक फॉर लास्ट 14 इयर्स हैज बीन हेल्पिंग द सेक्टर टू इंश्योर compliances of regulatory norms, has conducted 32 webinars during COVID-19 pandemic on various subjects. He is also faculty at various institutions, including RBI CAM. He is also on the board of studies of an autonomous university, and Mumbai University has recognized him as a subject expert. He is a postgraduate in commerce, CAIIB 1, certified systems analyst and certified treasury manager. तो ऐसे बहुत ही अनुभवी, और जब आप जब वो बोलने लगेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। तो आज उनको हम ज़रूर ज़रूर सुनना चाहते हैं, तो मैं अतुल खिरवाड़कर सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज कम ऑन डायस। नमस्कार, मैं घड़ी यूज नहीं करता हूं और मोबाइल वहां छोड़ के आया हूं, तो मुझे समय का पता नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ या बोर कर रहा हूँ तो हाथ ऊपर कर देना, मैं रुक जाऊँगा। फरवरी 19 के बाद कोविड की वजह से डिलेड बैंकों का एडवांटेज प्रोग्राम हो रहा है, बहुत कम लोग हैं, नॉर्मली 400 के आसपास लोग रहते हैं, लेकिन कोविड की वजह से बहुत कम लोग हैं। और इस बार सब्जेक्ट्स हैंडल करने वाले लोग भी यहाँ कम आए हुए हैं, वजह एक ही है, आप सब जानते हैं। मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है वो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स आई हैं या जो नया बिल है उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दूं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? पिछले 4 डिकेड्स, ऑलमोस्ट 40-45 इयर्स, वी एज कोऑपरेटिव बैंकर्स हैव बीन रेफरिंग टू PR Act with a reference to only section 56, और वो जो section 56 में जो provisions थी वो सब अभी open हो गई है। यहाँ पे बैठे हुए बहुत से लोग directors है, chairman है, vice chairman है, CEOs हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त रहेगी कि जो bill है जो सितंबर 20 में पार्लियामेंट में पास हुआ, बोथ द हाउसेस हैव पास द बिल आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। 4 पन्ने का बिल है। मैं क्यों कह रहा हूँ पढ़ने की कोशिश कीजिए? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आने वाला। वो जो 4 पन्ने हैं जो राज्यसभा और लोकसभा में पारित हुए हैं वो आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कुछ नहीं आएगा दिमाग में, इसकी वजह भी ये है कि वहाँ 56 अमेंडमेंट बिल जो प्रेजेंट किया गया उसमें लगभग 20 या 25 जगह पे सेक्शन डिलीट हो गए हैं। आप अगर वो 4 पन्ने पढ़ोगे, ये सेक्शन डिलीट हो गया, वो सेक्शन डिलीट हो गया, पॉइंट आई डिलीट हो गया,
ऐसे सब चार पन्ने हैं, पढ़ने वाले पैराग्राफ तीन या चार है उसमें। अब जब सितंबर में या उसके पहले भी जून में, जब जून के एंड में जब इसका ऑर्डिनेंस आया था, तो ऑर्डिनेंस आने के बाद भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर पूरा सोया हुआ था उसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चालबाजी की। क्या चालबाजी की वो भी मैं बताता हूँ आपको। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, बट देन हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस। कोविड की वजह से पार्लियामेंट नहीं हो रही थी, उनके सेशन नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसका नोटिफिकेशन निकाला। मैं जून की बात कर रहा हूँ, जून 2020 की। और उस नोटिफिकेशन में, अमेंडिंग दिस बियर एक्ट, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने ऐसा कहा कि इस अमेंडमेंट की कुछ प्रोविजंस उस वक्त से चालू होगी और द प्रोविजंस वुड बी एप्लीकेबल द मोमेंट इट विल बी फर्दर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो आप जानते होंगे कि उसमें शेयर्स इशू करना, नहीं करना, रिफंड करना, इसके ऊपर बहुत भूचाल चल रहा था। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट दैट, इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज कन्फ्यूज। एंड देन सडनली ये कुछ 20 जून को ये ऑर्डिनेंस उन्होंने निकाला और 29 जून को आप और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन ट्रेस नहीं करते। 29 जून को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने चार लाइन का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये जो ऑर्डिनेंस इश्यू किया गया है ये लागू हो गया है। जुलाई महीना तो ऐसे ही चला गया, पता ही नहीं चला। एंड देन मेनी बैंक्स हु वर इन द सेक्टर हैड कंडक्टेड लॉट ऑफ वायोलेशन अंडर द बीआर एक्ट इन द इनिशियल फेज। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलता रहा वायोलेशन। क्या वायोलेशन चलता रहा? फॉर द फर्स्ट टाइम बीआर एक्ट हैड इंट्रोड्यूस वन सेक्शन, सेक्शन 12। वो सेक्शन 12 में उन्होंने ऐसा कहा था कि कोई भी बैंक उनका कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकती, कुछ रिफंड नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दी लीगल एस्पेक्ट, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं टेक्निकली और लीगल एस्पेक्ट के साथ उसके ऊपर आपसे बात करूँगा तो जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो आपकी तरफ आएगा नहीं, आप तक पहुँचेगा नहीं। अभी इसके बाद हुआ ऐसा कि करना क्या है, ऑल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स नॉर्मली रेज देयर कैपिटल थ्रू शेयर लिंकिंग नॉर्म्स एंड वेरी रेयरली फ्यू बिगर कोऑपरेटिव बैंक्स इंडल्ज इन टू इश्यूएंस ऑफ सम सबॉर्डिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू मोबिलाइज द कैपिटल, बट नॉट ऑल। 1400 बैंक्स है, नॉट ऑल वुड बी इश्यूइंग दी लॉन्ग टर्म सबॉर्डिनेट डेट और बॉन्ड और प्रेफरेंसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जून के बाद लगभग अक्टूबर तक पूरा सेक्टर कंफ्यूजन में था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोई हुई थी। माफ़ करना, मेरे जूरी के जो दोस्त हैं वो सब रिजर्व बैंक वाले लोग हैं, लेकिन मैं सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ। आई रिप्रेजेंट दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर। October 20, regional office, Mumbai regional office came out with an interim relief guidelines, wherein it said that yes, you can refund, you can issue the shares in compliance with the linkage norms, जो 2.5% secured loan के लिए या 5% unsecured loan के लिए जो है वो आप कर सकते हैं, but that was interim relief। और क्या रिलीफ करने वाले हैं उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। व्हाट वुड बी द कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ वाज नॉट नोन। पीपल लाइक मी वेर नॉकिंग द डोर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ब्रिंग आउट सम क्लैरिटी फॉर द सेक्टर। सेक्टर में कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, इसके लिए इंक्लूडिंग फेडरेशन एंड नाफकप दे वेर ऑल टेकिंग अप द इशूज विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज भी इस वक्त तक पीआर एक्ट के बहुत सारे पहलू ऐसे हैं, देयर आर लॉट ऑफ एंगल्स
which are yet to be clarified and nobody knows. इस कन्फ्यूजन में दो तीन चीज़ें हुई. एक चीज़ ऐसी हुई कि हमारे कंसल्टेंट लोग बहुत बिजनेस करने लग गए. दे ऑल स्टार्टेड गिविंग एक्सपर्ट ओपिनियन, ये करो ये मत करो, और लॉयर्स ऑल्सो. नॉर्मली हमारे बैंक के पैनल में एक लॉयर होता है. मैंने कई बैंकों को उस वक्त भी बोला था कि कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी लॉयर आपको कोई भी इसके बारे में ओपिनियन दे नहीं सकता है. इसकी वजह बहुत सिंपल है. क्या वजह है, व्हाट्स द रीज़न? आप या तो आपके स्टेट एक्ट में रजिस्टर हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है, हर एक स्टेट में है, ऑन पार विथ ऑल प्रोविजंस है. कुछ बैंक्स यहाँ पे हैं जो मल्टी स्टेट एक्ट में रजिस्टर हुई है, लेकिन जैसे कोऑपरेटिव एक्ट का इंटरप्रिटेशन हर एक स्टेट का कमिश्नर कर सकता है, या हर एक स्टेट का जो कोऑपरेशन मिनिस्टर है वो कर सकता है, उसका इंटरप्रिटेशन दूसरा कोई नहीं कर सकता. वैसे BR एक्ट इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और इंटरप्रिटिंग दैट इज विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. 6 महीने के बाद जो कन्फ्यूजन था, मैं डायरेक्टली जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा, क्योंकि आप सब जानते हैं क्या इश्यूज़, वेयर शू पिंचेज, यू ऑल नो दैट. 6 महीने तक रिजर्व बैंक को ये पता नहीं चल रहा था कि भाई क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग क्या सोल्यूशन निकाले. मैं खुद 2-4 मीटिंग्स रिजर्व बैंक के डॉस के या इसके कुछ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मीटिंग कर चुका हूँ. उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो BR एक्ट में अमेंडमेंट्स आई हैं इसको अमल में कैसे लाया जाए, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट. मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये वेरीफाइबल सोर्स करके आप उसको डिनाई कर सकते हैं, लेकिन जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ट्रस्ट मी दैट ये जानकारी बिल्कुल सही और दुरुस्त है. BR एक्ट अमेंड होने के बाद में रिजर्व बैंक ने छोटी इंटरनल कमेटी बनाई, और मेरे सौभाग्य से उनमें कुछ जो बंदे थे उनसे बात करने का सौभाग्य मुझे मिला. 1400 बैंकों में BR एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन अगर करना है तो रिजर्व बैंक की रिक्वायरमेंट 500 एक्सपीरियंस रेगुलेटरी ऑफिसर्स की है. जो रेगुलेटरी ऑफिसर पूरे देश में जितनी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये जो BR एक्ट की जो प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट और कंट्रोल अगर करना है तो उनको 500 ऑफिसर्स की ज़रूरत है. उनका रिक्रूटमेंट सेल काम कर रहा है, लेकिन बंदा रेगुलेशन में कब आता है, 5 साल जब पढ़ता है उसके बाद. इसका मतलब ये हुआ कि दे विल हैव टू एक्सपोज दिस एंटायर टीम एट वेरियस रीजनल ऑफिसेस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मोर पर्टिकुलरली इन द 3 लीडिंग स्टेट्स वेयर द सेक्टर हैज़ अ वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस, दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, नाउ तेलंगाना. दिस बिंग द स्टोरी, BR एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन डिलेड क्यों हो रहा है, इसकी वजह यह है. अभी ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी रिजर्व बैंक की है, लेकिन इसी एक्ट में रिजर्व बैंक को जो स्वीपिंग पावर्स दिए हैं वो स्वीपिंग पावर्स में एक सेक्शन 53 इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया. अब ये सेक्शन 53 क्या कहता है, दिस सेक्शन 53 गिव्स अ ब्लैंकेट पावर टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्ट द वे दे लाइक. उसका मतलब ये है, टेक्निकली वर्ड्स अलग है उसके, द वे दे लाइक दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. उसमें और एक प्रोविजन है, देयर इज वन मोर प्रोविजन देयर, दे कैन सिलेक्टिवली एग्जम्प्ट एनी कोऑपरेटिव बैंक और अ क्लास ऑफ कोऑपरेटिव बैंक और अ ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोविजन्स. अब ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है. इन्होंने एक्ट तो बना लिया, जो चाहिए था वो लिख लिया,
ये वजह क्या कह रहे थे कि जब पीएमसी में घोटाला हो गया तो हमारे पास पावर्स नहीं है कुछ करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने तो ये तक कह दिया कि वी डोंट कंट्रोल मल्टी स्टेट एक्ट। यू कांट बी सेइंग दैट बट दिस वॉज सेड। फ्रेंड्स, बेसिकली द अमेंडमेंट इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्टोरी डेट्स बैक टू 2007। इफ यू गो टू द पेपर्स ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज वेबसाइट, दैट पेपर इज स्टिल अवेलेबल इन लीगल सेक्शन वेयर दे हैड प्लान्ड टू अमेंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आई एम टॉकिंग ऑफ समवेयर 2007-2008। इट टुक देम ऑलमोस्ट 15 ईयर्स टू डू इट and they did it in a very khichdi manner, in absolutely khichdi manner. This is my personal view, so my views are restricted to this group, kyunki mera ye manna hai ki is desh mein jo kanun banane wali sansthaen hain wo kanun lagu karne ke liye jo infrastructure necessary hai uske upar pehle kaam kare, unhe malum hai क्या प्रोविजन्स वो लाने वाले हैं। दे डिडंट वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउ दे आर वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नाउ दे व्हेन दे आर वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट दे आर डूइंग, दे फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट कमिटी जिसमें हमारे नैफकप के चेयरमैन जो है ज्योतिंद्र भाई मेहता वो भी हैं, उनसे भी मेरी कई इस विषय में चर्चा हुई। लेकिन मुझे मालूम था कि जो फेडरेशन और नैफकप कहने वाली है उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुनने वाली नहीं है, और लगभग कुछ हद तक वैसा ही हुआ है। कुछ अच्छी चीज़ें इस एक्सपर्ट कमिटी ने रिकमेंड कराई हैं, जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ कमेंट्स बाय पब्लिक। हम लोग तो पब्लिक में ही आते हैं तो जनरल पब्लिक तो कमेंट नहीं करेगी, लेकिन आपको वो रिपोर्ट को पढ़ के 30 सितंबर के पहले आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है आपको वो भेजना है। आप भेजे तो ठीक, नहीं भेजे तो भी ठीक, क्योंकि मुझे नहीं लगता है आप जो भेजेंगे उसके ऊपर कुछ अमल होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसकी वजह भी आप समझ लो। The highest law making body in the country, that is parliament, both houses, when they have passed the law, nobody can do anything which is away from this law. This being the fact, the operational modalities can be commented upon. Operational modalities के बारे में रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी पिछले दो साल में कोविड के दरमियान भी, जैसे अभी काबुल पे हमले हो रहे हैं, हर महीने में एक हमला ऐसा सेक्टर पे करना चालू कर दिया, जिसके बारे में शायद शाम को मौका है तब बात करेंगे। आई विल कम बैक टू दिस बीआर एक्ट रेगुलेशन विद द चेंजेस विच हैव कम। मैं सेक्शन वाइज नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा टचअप करूंगा फिर आपके सवाल लूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये टॉपिक दिन भर का है और मुझे सिर्फ 30 या 40 मिनट दिए गए हैं। देर आर आइडेंटिफाइड एरियाज वेयर अंडर यू एज अ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सीईओ और डायरेक्टर और ऑफिसर हैव टू कॉन्सेंट्रेट। इट्स रिगार्डिंग शेयर्स इशू वेर दी कॉन्सेंट्रेशन हैज टू बी देयर, यू नीड टू स्टडी। देन इट इज़ क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, कंसेप्ट ऑफ फुल टाइम चेयरमैन, MD, ऑडिट, bylaws amendment, and then removal of CEO and chairman, post of managing director, BOM के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि एक्सपर्ट कमिटी ने बोल दिया है कि यार BOM करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों करने की ज़रूरत नहीं, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगा। आपका कंट्रोल जो है, आपके मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वाया BIR एक्ट, पूरा रिजर्व बैंक के पास चला गया है। शाम को थोड़ा एक्सपर्ट कमेटी के बारे में जब बात करूंगा, वो कंट्रोल किस तरह से कर रहे इसके बारे में उस वक्त बात करूंगा। अभी ये जो 10-12 एरिया हैं, ये जो 10-12 एरिया हैं जिसमें अलग अलग सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, आपको ये सोचना है
कि आपको क्या करना है। मैं यहाँ पे कुछ भी कहूँ लेकिन टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, डोंट टेक दैट एज एन एडवाइस, टेक दैट एज अ क्लू टू स्टडी फर्दर एंड अप्लाई टू योर इंस्टीट्यूशन, बिकॉज ईच इंस्टीट्यूशन इज डिफरेंट। ब्यूटी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर हैज बीन एक्नॉलेज्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे एंड इन अ वेरी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट बाय द एक्सपर्ट कमिटी। 94% ऑफ द बैंकिंग एंटिटीज इन द कंट्री दैट इज इंडिया आर थ्रू अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर, बट दे कंट्रोल ओनली 3% ऑफ टोटल बैंकिंग बिजनेस। आपका एप्लीकेशन जो है वो इस ओर जाना चाहिए कि यार 94% बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री आर फ्रॉम दिस सेक्टर, लेकिन दिस सेक्टर कंट्रोल्स ओनली 3% ऑफ बैंकिंग बिजनेस। ओनली 6% ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्रीज कंट्रोल 97% ऑफ द बैंकिंग बिजनेस। आपका रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन कई बार होता होगा, बड़े बैंकों के बारे में हर साल होता होगा और छोटे बैंकों के बारे में अल्टरनेट ईयर होता होगा। उनका जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है उसमें आपसे वो की डेटा लेते हैं और वो यही कमेंट करते हैं कि तुम्हारे बैंक के बैलेंस शीट सिर्फ 2% या 3% लोग ही कंट्रोल करते हैं। सिमिलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू आवर इंडिविजुअल्स बैलेंस शीट इंक्लूडिंग दैट ऑफ माई बैंक। एंड देयरफॉर व्हेन दिस बीआर एक्ट वॉज पास्ड आई वॉज इलेटेड, आई वॉज हैप्पी फॉर टू रीजन्स। वन ऑफ द रीजन्स इज दैट इफ यू आर डिसिप्लिंड यू विल सर्वाइव एंड ग्रो, एब्सोल्युटली नो इश्यूज, बट इफ यू आर नॉट यू हैव नो राइट टू ग्रो, यू कैन नॉट ग्रो। ये प्रिंसिपल अगर आप ध्यान में रखते इस प्रोविजन्स को अगर देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि देर आर स्टिल सेवरल ग्रे एरियाज वेयर क्लैरिटी इज स्टिल नॉट देयर, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है वो ऐसी है कि तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 51% प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होना ज़रूरी हो गया है क्योंकि अभी सेक्शन 10 भी अप्लाई हो गया है। तुम्हारे अगर 15 डायरेक्टर्स हैं, यू इफ योर बोर्ड इज हैविंग 15 डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 8 ऑफ देम शुड बी कंप्लाइंग विद द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। अभी उसमें लूपहोल क्या है, उसमें लूपहोल ये है कि जो 10 एरियाज उन्होंने डिफाइन किए हैं, वेदर इट इज लॉ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रूरल इकोनॉमी, जो भी डिफाइन किया है, उसमें फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिकमेंड नहीं किया है। और उसमें और एक चीज कही गई है कि इन 10 के अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस वाला बंदा है जिसको के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में लाया जा सकता है, उसको भी रिजर्व बैंक प्रोफेशनली फिट एंड प्रॉपर है करके एडमिट कर सकती है अदर देन दिस 10। नॉर्मली हम लोग क्या कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये 10 ही है। सी दिस 10 एरियाज अ पर्सन शुड हैव एक्सपीरियंस, एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस। दे आर नॉट सेइंग कि उनके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, वो नहीं कह रहे कि वो बीकॉम होना चाहिए या सीए होना चाहिए या ICEW होना चाहिए, वो ये नहीं कह रहे। What they're saying, you should have experience. क्योंकि जब ये अमेंडमेंट शुरू में आई थी जिसका मतलब नहीं लग रहा, तो बीकॉम वाला बंदा भी प्रोफेशनल में आ गया क्योंकि वो अकाउंटेंसी वाला है। अभी उसकी ये जो चीज़ हो रही है जिसको हम कहते हैं कि कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स मैनेजमेंट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस बंदे को उसमें पकड़ना या नहीं पकड़ना, प्रोफेशनली फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में पकड़ना या नहीं पकड़ना है, कौन तय करेगा? तुम्हारा बोर्ड नहीं तय करेगा, ये तय करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यू कैन नॉट डिसाइड। सो एक्सपीरियंस, एंड इफ देर इज एन एविडेंस ऑफ प्रॉपर एक्सपीरियंस देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल एडमिट फॉर द कंपटीशन ऑफ 51% फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया कॉम्पोजिशन, इट विल बी एडमिटेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे भाई ये होगा कैसे? मेरा तो आज इलेक्शन हुआ, अब ये 15 में से
फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है या नहीं है, वो कंप्लाई करता है या नहीं है, कब होगा? कुछ महीने के बाद होगा। आपसे डेटा मांगा जाएगा, डिटेल्स मांगी जाएंगे, दे विल स्क्रूटिनाइज दैट एंड दे विल टेल ये बंदा फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में बैठता है या नहीं बैठता है। दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। सेकेंड पार्ट क्या आ जाता है इसमें कि भाई कोऑपरेटिव बैंक्स आर डेमोक्रेटिकली रन इंस्टीट्यूशंस एंड देयर आर इलेक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन ऑन पार विथ ऑलमोस्ट द नेशनल लेवल इलेक्शंस। काउंटिंग है, वोटिंग है, फलाना है, डिमका है, नॉमिनेशन है, विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन है, ये सब प्रोसेसेस हमारे स्टेट लॉ में या मल्टी स्टेट लॉ में डिफाइन की गई है वो किस तरह से होगा। आज समझो मैं सीईओ हूं बैंक का, या फिर आप में से कोई सीईओ है बैंक के, 100 लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से 15 लोग इलेक्ट आए, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे उनमें से कितने फिट एंड प्रॉपर है। समझो 15 लोग इलेक्ट होने के बाद में 5 लोग आ गए उसमें फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में, 10 लोग नहीं आए। अब क्या करना है इन 10 लोगों का, क्योंकि ये चुन के आए हैं, कोई भी बैठेगा नहीं घर पे, कौन बैठेगा? मैं तो भाई इलेक्शन लड़के आया हूँ, आई फॉट इलेक्शन स्ट्रांगली, सो व्हाट आई शुड बी डूइंग? इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच विल टेक अ व्यू एंड आस्क सम ऑफ योर डायरेक्टर्स टू रिजाइन। अब ये कैसे होगा? तुम तो रिजाइन नहीं कर रहे हो, 10 के 10 लोगों को उसमें रखना है, 10 में से 5 ही लोग समझो रखना है। देयर इज अ फनी प्रोविजन इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विच नॉट मेनी ऑफ अस नो, सच रिटेंशन विल हैपन विथ ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अभी चिट्ठी डाल के जिसका नाम निकलेगा वो रहेगा, चिट्ठी में जिसका नाम नहीं आया वो घर जाएगा। देयर इज अ लीगल प्रोविजन इन दिस ऑन दिस। मान के चलो आप कुछ नहीं सुनते, आप करते ही नहीं, रिजर्व बैंक का मानते ही नहीं है, पूरे बोर्ड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सस्पेंड करेगा, स्टेट लॉ में प्रोविजन से उसको छोड़ के तुम्हारा इलेक्शन रिजर्व बैंक कंडक्ट करवाएगा। अभी इसमें लूपहोल क्या आ रहा है? सिंस देर इज नो लिंकेज विद द स्टेट लॉ एंड द बीआर एक्ट कहता है कि इलेक्शन जो होगा वो स्टेट लॉ के हिसाब से अगर होने वाला है, सो देर इज नो प्रोविजन और अ रिजर्वेशन इन योर बायलॉज फॉर अ डायरेक्टर्स हु आर फिट एंड प्रॉपर। तुम्हारे बायलॉ में क्या प्रोविजन है? 10 जनरल के बंदे हैं, 2 रिजर्व कैटेगरी के हैं, 2 वुमेन के हैं, वगैरह वगैरह, अलग अलग बायलॉज में अलग अलग प्रोविजन होंगी। तो इसमें फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया वाले बंदे आप किस तरह से रहेंगे? हाउ यू विल ब्रिंग इन देयर? दिस इज अ क्रिटिकल इशू अंडर प्रोसेस। रिजर्व बैंक के पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे मेरे बैंक का इलेक्शन फरवरी में हुआ था, पूरा डेटा लिया है रिजर्व बैंक ने, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने अभी डिसीजन नहीं दिया है। ये अगर डिसीजन जब आएगा तब जो देर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश विच इज दैट वी शैल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। दूसरा मतलब है देखेंगे जब आएगा तब क्या करना है, अब क्यों उसके ऊपर सोच विचार करके माथा पच्ची करना है। आपको याद होगा 2018 में जब BOM के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई थी और BOM के बारे में जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किए गए थे दे वर स्ट्रेट वे कॉपीड फ्रॉम सेक्शन 10, और 30 जून तक आपको BOM करना था। BOM आज भी कैंसिल नहीं हुआ है, आपको BOM इम्प्लीमेंट करना है। अब BOM के बारे में ये जो एक्सपर्ट कमेटी है इसने रिकमेंड किया है कि अभी BOM की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट है वो प्रोसेस से अलग अलग लेवल रिजर्व बैंक के यहाँ डिस्कशन होगा एंड दे विल डू चेरी पिकिंग फॉर सर्टन रिकमेंडेशन, नॉट ऑल रिकमेंडेशन वुड बी एक्सेप्टेड। विल टॉक अबाउट इट ब्रीफली इन द इवनिंग एज वेल। इसका मतलब ये है कि जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बंद नहीं करवाता तब तक आपको BOM इम्प्लीमेंट करना ही है। सबसे सेक्शन 10A में जो कमर्शियल बैंकों को प्रोविजन आ गई है वो हम सबको आ गई है। यहाँ पे जितने भी CEO हैं वो सब खुश हो जाएंगे और जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो दुखी हो जाएंगे। सेक्शन 10A में जो प्रोविजन आई है वो ऐसा है कि कोई भी बंदा 8 साल के ऊपर डायरेक्टर नहीं बन सकता। अभी सेक्टर में क्या डिस्कशन हो रहा है, ये कब से लागू होगा?
लागू कब से होगा? हमारे पास तो रिजर्व बैंक का कोई सर्कुलर नहीं है इसमें. व्हाट इज द डिफेंस दैट दिस सेक्टर पीपल आर टेकिंग? देयर आर नो गाइडलाइंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉस. मेरा ये मानना है कि इफ़ यू आर स्टेइंग इन द कंट्री एंड इफ यू हैव टेकन लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यू आर सपोज टू इम्प्लीमेंट द लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट. यू आर नॉट सपोज टू वेट फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडेंस. आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग विच इज फार फेच्ड, विल नेवर बी लाइक बाय द डायरेक्टर्स ऑफ एनी बैंक. ये क्यों हुआ है? ये प्रोविजन बीआर एक्ट में 35 साल से है, हमें वो आज लागू हुई है. वी आर एक्सपोज टू दिस प्रोविजन नाउ. व्हाई दिस हैज हैपेंड? दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द सेक्टर. आपने देखा होगा कई बैंकों में 30-30, 40-40 साल से लोग डायरेक्टर की कुर्सी पकड़ के बैठे हैं. यंगर जनरेशन आगे नहीं आ रही है. इसके बारे में एक्सपर्ट कमिटी ने सिर्फ ये कहा है कि भाई ये 8 साल का जो है ये तो लागू होना ही है. सो फॉरगेट अबाउट एनीथिंग वेयर एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू रिलैक्स दिस कंडीशन विल रिमेन. नाउ इफ दिस कंडीशन इज गोइंग टू रिमेन, देर वुड बी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय द रेगुलेटर. हमने नैफकॉप को ये कहा था कि भाई ये 2020 में कानून आया है, अभी लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है. दिस इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज, किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, सेवरल थिंग्स विच इवन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अंडरस्टैंडिंग. व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ सर्टन पावर्स वेस्टेड विद देम कैन डू इज दिस, गिव अ डेडलाइन कि भाई दिसंबर 2021, ये हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, ऐसा रिजर्व बैंक ने कहा नहीं है. हमने जो रिकमेंड किया होगा कि भाई दिसंबर 2021 के बाद में जिस किसी बैंक का इलेक्शन होना है उनको लागू किया जाए. इसका मतलब ये है कि कई बैंकों के बोर्ड्स पूरे के पूरे बदल दिए जाएंगे, पूरे के पूरे. एंड देन वी हैव ऑल दैट हाइपोथेटिकल सिम्युलेटेड इश्यूज कि बैंक चलेगा कैसे. लेट मी टेल यू, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स और सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हार्पिंग राइट आफ्टर माधवपुरा ऑन वॉट डायरेक्टर्स रोल इज नॉट दैट ऑफ रनिंग द बैंक. डायरेक्टर्स रोल इज टू कीप द बैंक ऑन राइट ट्रैक, दैट इज एडवाइज, गिव इट गाइडेंस, गिव इट डायरेक्शन. बैंक चलाने वाले बंदे कौन है? यहाँ पे जितने भी सीईओ लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, दे आर सपोज टू रन द बैंक. हमारे यहाँ क्या होता है, डायरेक्टर उठता है, ब्रांच में जाता है, बैंकिंग बिजनेस करता है, विच इज नॉट सपोज टू डू. डायरेक्टर उठता है, डायरेक्ट क्लाइंट से बात करता है, डायरेक्ट कस्टमर से बात करता है और फिर एग्जीक्यूटिव को बोलता है यार इसको या 2 करोड़ दे दो, इसको 8% से ही देने का है, इसके ऊपर नहीं देने का है. यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, क्योंकि एज ए डायरेक्टर यू आर नॉट साइनिंग एनीवेयर. बंदा मरने वाला कौन है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो. लेकिन अगर कुछ गलत काम हो गया तो वो बंदा पहले जाके बोलेगा मुझे फला फला डायरेक्टर ने बोला था इसलिए मैंने किया था. तो अगर कुछ गलत काम होता है तो इंक्वायरी के लपेटे में आप आ सकते हैं. यू हैव टू वर्क एज अ टीम. बैंकिंग इज ऑलवेज अ टीम गेम. आई मीन दैट्स वेयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डिफाइनिंग द लाइन एंड फंक्शन. And this definition of line and function is such that as a director, you are not supposed to be in the functional areas. The moment you understand this, your bank is good. And you have to trust people. Sab log chor hote nahi hai na. Lekin PM se bank ne jo lafda kiya, isliye hum log sab pareshani jhel rahe. Ek bank ki wajah se. Galat hai. Bilkul galat hai. तो ये 8 साल का जो है उसकी तैयारी मन में करो, आज नहीं तो कल वो आने वाला है. कब से इम्प्लीमेंट होगा? वी आर ट्राइंग टू पुश इट लिटिल लेटर बिकॉज इससे कोई पहाड़ नहीं गिरने वाला. इसको अगर 2 साल में करते हैं चलने वाला है. आई डोंट नो वेदर रिजर्व बैंक ऑफ इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट कमिटी ने उसके ऊपर 2 लाइन लिख के छोड़ दिया है. क्या लिखा है? दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड पीरियड. कुछ उसके बारे में आगे कुछ कहा नहीं है. अभी ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो डायरेक्टर्स का है, तुम्हारे बायलॉज में भी जो क्वालिफिकेशन है वो तो आपको पूरे करना ही है.
उसके अलावा बी आर एक्ट के क्वालिफिकेशन भी पूरे करने हैं, लेकिन रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शन में अगर सामने आया कि फलाना डायरेक्टर अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है, ही कैन बी फोर्स्ड रिटायर्ड, ही कैन बी फोर्स्ड टू रिटायर। और इसमें खूबी क्या है ये बताता हूँ, किसी भी डायरेक्टर को या किसी भी बंदे को जो डायरेक्टर बना है या चेयरमैन बना है, उसको अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटायर करती है या निकालती है, इस देश के किसी भी कोर्ट में आप गुहार नहीं लगा सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ये जो सर्टन सेक्शन से इतने स्ट्रांग बना दिए गए हैं कि आपके बैंक के खिलाफ फलाने फलाने, आप देखो किसी भी बैंक को अगर पनिशमेंट होती है, दे इन्वोक सर्टन सेक्शंस कैटेगरिकली। व्हाई दोस सेक्शंस आर इन्वोक्ड? बिकॉज योर रूट टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इनजस्टिस दैट हैज बीन मीटेड आउट इज ब्लॉक्ड। हियर इफ दैट हैपन्स यू हैव नो रिकॉर्स, यू सिंपली हैव टू स्टे होम। रिजर्व बैंक कैन रिकॉन्स्टिट्यूट द एंटायर बोर्ड इफ इट फाइंड्स। वो फाइंड कैसे करेगी? हर साल जो इंस्पेक्टर आएगा वही बंदा फाइंड करेगा। हालांकि एक बात पक्की है, रिजर्व बैंक तुम्हें बिना पूछे कुछ नहीं करेगी। भाई मैं तुम्हारे छाती में वार करना चाहता हूँ, करूँ या नहीं करूँ? नहीं करना है तो क्यों नहीं करूँ? सो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड वॉट एवर द आर्ग्यूमेंट दैट इज कमिंग अप। दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट हैज हैपेंड। एंड ये जो अमेंडमेंट्स आई है या बी आर एक्ट के बाकी के सेक्शन जो अभी अप्लाई हो रहे हैं, इसमें फ्लेवर कंपनीज एक्ट का आ चुका है। और वो फ्लेवर अगर कंपनीज एक्ट का आया है तो वो फ्लेवर की वजह से होल टाइम डायरेक्टर की कंसेप्ट भी उसी की वजह से आई हुई है। अपने सभी बैंकों में नॉर्मली जो चेयरमैन जो होता है वो दिन के एक या दो घंटे बैंक में आता है, सब इश्यूज डिस्कस करता है एंड देन सीईओ एग्जीक्यूट्स व्हाट एवर द डिसीजन दैट हैज बीन टेकन अप। रिजर्व बैंक ये कह रही है कि चेयरमैन अगर फुल टाइम करना है तो करो, लेकिन हमारा प्रायर अप्रूवल लो। किस बंदे को फुल टाइम चेयरमैन करने की आवश्यकता है? उसमें पहली कंडीशन फिट एंड प्रॉपर, वो अगर है तो वो फुल टाइम बन सकता है। अगर फुल टाइम बैंक में चेयरमैन नहीं है और अगर चेयरमैन पार्ट टाइम, जैसे मैंने कहा पार्ट टाइम है, तो तुम्हारा जो सीईओ है उसको आपको एमडी करना जरूरी है। लीगल यस सर, नॉमिनक्लेचर जो कह रहे हैं वो एमडी तुम्हारे यहाँ होना जरूरी है अगर चेयरमैन फुल टाइम नहीं है तो। सीईओ और एमडी के बारे में और जो कुछ आया है उसके बारे में शाम को बात करेंगे, क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है जिसके ऊपर थोड़ा सा भूचाल अभी भी चल रहा है। ये 8 साल की जो बात है उसके ऊपर भी बहुत सारा भूचाल चल रहा है कि 8 साल काउंट कैसे किए जाएँ वगैरह वगैरह। उसके बारे में भी अगर आपको कोई सवाल हो तो हम लोग शाम को उसमें बात कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 2019 में एक मास्टर डायरेक्शन दिया है। वो मास्टर डायरेक्शन इस तरह से है, हमें सीखना है कि रिजर्व बैंक अन्य लोगों को क्या कर रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक या फॉरेन बैंक को उन्होंने क्या किया? मैक्सिमम एज ऑफ द डायरेक्टर इज प्रिस्क्राइब्ड 67 एंड मिनिमम इज 35। हमारे लिए क्या होगा पता नहीं है। और ये जो 8 साल का बी आर एक्ट का प्रोविजन है जो पब्लिक सेक्टर बैंक को इक्वली अप्लाई होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक को डायरेक्टर के टेन्योर के बारे में उन्होंने डायरेक्शन क्या दिया है? 6 साल। अब ये 6 साल जो है, ये 6 साल कंटिन्यूसली या फिर इंटरमिटेंटली, लेकिन आप 1 साल डायरेक्टर बन गए, जैसे कोऑप्टेड डायरेक्टर के बारे में होता है कि 1 साल ये कोऑप्टेड डायरेक्टर, अगले साल दूसरा कोऑप्टेड डायरेक्टर, लेकिन अगर टोटल वो 6 साल हो जाते हैं तो उसको बाद में डायरेक्टर बनने की कोई संभावना उन्होंने रखी नहीं है। कूलिंग पीरियड का कहीं रेफरेंस है बट आई एम नॉट टू श्योर हाउ दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इन द एडवाइसेस विच विल बी गिवन बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑल ऑफ अस। लेकिन ये मान के चलो अगर आपके पास 8 साल के ऊपर जो बंदे हैं, प्रोफेशनल है या अदरवाइज है, वो अगर इंटरमिटेंटली भी आपके पास कोऑप्टेड डायरेक्टर बन जाते हैं तो उनको भी ये प्रोविजन अप्लाई होता है। और
प्रैक्टिकल इश्यूज इस तरह से आते हैं कि चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होगा उसके बारे में भी आरबीआई को अप्रूवल आपको लेना है. हाउ यू विल डू दैट? तुम्हारा इलेक्शन हो गया, तुम्हारे इलेक्शन में 15 बंदे आ गए, 15 बंदों ने कहा कि ये बंदा हमारा चेयरमैन रहेगा, उसका अप्रूवल भेजो, आरबीआई अप्रूवल करेगी. आरबीआई ने रिजेक्ट किया है, इसका मतलब ये है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड डायरेक्टर से जो चेयरमैन को सिलेक्ट किया है उसको भी आरबीआई रिजेक्ट कर सकती है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि तुमने रिजर्व बैंक से लाइसेंस लिया है. इन सब प्रोविजंस के खिलाफ बहुत सारे फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात करते हैं. जो पॉलिटिकली बात करते हैं उनकी मैटर छोड़ दो, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, बट दिस विल नॉट स्टैंड इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द सिंपल रीजन. तो उन्होंने, अरे मेरा ये कहना था कि अनलेस देर इज अ इशू विच इज इन वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देन सुप्रीम कोर्ट विल एंटरटेन, अदरवाइज नो. यहाँ पे मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन के दो चार पॉइंट लगते हैं, लेकिन एक जो मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन चल रहा है वो है कि बैंकिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट. इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि बैंकिंग इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. इट्स सरकार या कमीशन ने जो 1977 में लिस्ट बनाई थी स्टेट सब्जेक्ट कौन से, सेंटर के सब्जेक्ट कौन से, कौन सी गवर्निंग बॉडी किस एरिया में लॉ करेगी, तो उसमें कॉपरेशन ये जो सब्जेक्ट है ना ये स्टेट का है, लेकिन बैंकिंग नहीं है. तो सब्जेक्ट क्या चल रहा है? कॉपरेशन में तो हम लोग लॉ करेंगे, हर एक स्टेट अपना अपना लॉ करेगा, लेकिन बैंकिंग इज नॉट स्टेट डोमेन. सो इसको टेक्निकली क्या कहा जाता है? दिस इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट जिसमें स्टेट भी लॉ कर सकता है और सेंट्रल भी लॉ कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ कर सकती है. पॉसिबली दिस विल बी टेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट. जैसे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो कन्फ्यूजन आज भी चल रहा है. 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज वन ऑफ द फैंटास्टिक गेम चेंजर फॉर द कॉपरेटिव बैंक्स. हुआ क्या है? देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक एरर. 50% ऑफ द स्टेट शुड हैव voted for the constitutional amendment, then they didn't do. So it's on technical ground that has been rejected. Practically it is all implemented. अभी हुआ क्या है इसमें? 97 constitutional amendment के बाद में बहुत से राज्यों ने उनके state cooperative laws को amend कर दिया है. अभी 97 constitutional amendment अगर supreme court ने reject करवा दिए हैं, they have rejected the 97 constitutional amendment, what will happen to the banks is the issue that was under discussion. My view is that if your state has passed the law, amended the cooperative law, unless the state government passes a law repealing the provisions made by the legislative assembly of the state, you will continue to be governed by all those provisions, active member, inactive member, AGM, attendance of AGM, jo bhi subject state law mein aaye hain, jari rahenge. 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना है. तो बीआर एक्ट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी गेम चेंजिंग है. और दो चीज़ें मैंने ज़्यादा इलेबोरेट नहीं की है क्योंकि उसमें कुछ सब्जेक्ट में शाम के ओपन डिस्कशन में कवर करने वाला हूँ. वो है तुम्हारी सीईओ की अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. वी हैव अ वेरी लिटिल टाइम बट आई विल टच अपॉन दी की और क्रिटिकल पॉइंट्स इन दैट एरिया. परसों जाके डीआईसी का एक्ट अमेंड हो गया, उसके ऊपर भी 5-10 मिनट बातें होंगी. बीआर एक्ट जो आया है वो गेम चेंजर है, बहुत अच्छी प्रोविजंस है. आपको पढ़ के यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज प्रोविजंस. और अगर आप इन प्रोविजंस के बारे में ज़्यादा मालूम करना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब पे मेरा एक 2 घंटे का इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन है, वो आप कभी भी देख सकते हो. मैंने ब्रीफ में कवर किया है. मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर कुछ सवाल होंगे तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, या फिर विल गो फॉर सब्सिक्वेंटली फॉर लंच. मतलब पानी देना. कुछ अगर सवाल है तो पूछिएगा. मैंने लीगली कुछ नहीं बताया, इसकी वजह यह है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़. लीगली 4 घंटे का सब्जेक्ट हो जाता है, वो मैं नहीं करना चाहता था. यस सर, माइक देने देना.
मेरा कहने का सब ये है कि सर आपका नाम और बैंक बताइएगा। हाँ, राजकोट वीडियो शूटिंग कर रहा है ना, इनको भी रिकॉर्ड। राजकोट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ओके, डायरेक्टर अरविंद भाई पटेल। सब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन और टाइम पीरियड 8 साल का आपने बताया, तो हमारे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट और स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टाइम पीरियड 5 साल का है। अगर दो टर्म की बात करें तो 10 साल होता है, तो ये 8 साल मैच नहीं होता है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, और मेरा प्रश्न दूसरा, मैंने बताया क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्वालिफिकेशन में के अकाउंट की बात है, सहकारिता की बात है, एग्रीकल्चर की बात है, लॉ की बात है, तो वो कौन किसका अनुभव कितना है, वो कौन कैसे कैसे तय किया जा सकता है वो क्वालिफाइड है या नहीं है? बता दो। आपका जो 8 साल या 5 साल का जो सवाल है उसके ऊपर पहले बताता हूँ, बाद में अगर मैं सवाल भूल गया तो रिमाइंड करना मुझे। इस बीआर एक्ट में एक प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न ऐसी है, बीआर एक्ट में जो प्रोविज़न की गई है वो सुपीरियर है, दूसरे किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो फॉलो बीआर एक्ट ही करना है। इसमें शायद आपके 5 साल का और इसका पहला पार्ट आ गया। रही बात 5 साल की टर्म जिसे बंदा 10 साल डायरेक्टर हो सकता है, तो शायद इसमें हो सकता है कि रिजर्व बैंक ये कहेगी आपके बायलॉज अमेंड करो और डायरेक्टर की टर्म 4-4 साल की करो, 8 साल हो गए, 2 टर्म बैठ गए, बाद में घर बैठो, या फिर बैंक को अलग तरह से हेल्प करो। दिस इज़ माई परसेप्शन, ये किसी ने मुझे बताया नहीं है, आज ना मैं लॉयर हूँ, मैं बैंकर हूँ, मैं आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑप्शंस वर्कआउट होते हैं और ये मुझे स्ट्रांगली क्यों दिखते हैं। ये जो 175 पन्ने का जो रिपोर्ट आया है उसमें कमिटी ने कहा है कि यस 8 साल तो लागू करना ही चाहिए, इज ओनली 1-2 लाइनर। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाला क्या है, 8 साल पक्का होने वाला है, इस गलत फहमी में आप रहो भी मत। उसके टाइम और एग्जीक्यूशन के बारे में सवाल है, जैसे मैंने कहा कि ये शायद हाइपोथेटिकली 1 या 2 साल के बाद लागू करो, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली 2019-20 में बहुत बैंकों के इलेक्शन हुए हैं, महाराष्ट्र में नहीं क्योंकि महाराष्ट्र में कोविड था, गुजरात में कम था, लेकिन ये यूपी और बिहार में इन्होंने इसी धड़ल्ले में इलेक्शन ले लिए हैं। अभी वो इलेक्शन क्यों लिए हैं उसके कई हम बाहर जाके बात करेंगे क्योंकि ये फोरम पे बोलने की बातें नहीं है, लेकिन हुए हैं उनके इलेक्शंस। 8 साल और 5 साल का जो मैंने कहा कि ग्रे एरिया, ये ग्रे एरिया उसमें रहने वाला है। दूसरी बात क्वालिफिकेशन की जो आपने बात कही जिसमें 10 आइटम दिए हैं, डिग्री प्रिस्क्राइब नहीं की है। अभी जो बंदा डायरेक्टर बनने वाला है वो बंदे के क्वालिफिकेशन तो रिजर्व बैंक देखेगी ही, लेकिन उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसका एक्सपीरियंस है या नहीं ये भी देखेगी। मान के चलो, इट इज़ ऑल इमेजिनरी, आई एम जस्ट गिविंग एन इमेजिनरी एग्जाम्पल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर। एक बंदा बीकॉम हो गया है जिसमें उसका अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट था, ओके, और ये बंदा आजकल तो ऑक्ट्रॉय बंद हो गया समझो, लेकिन टोल कलेक्शन में बैठा हुआ है, टोल कलेक्शन की जो हाईवे पे गाड़ियाँ जाती है ना, बीकॉम है, टोल कलेक्शन कर रहा है, अकाउंटेंसी का ही काम कर रहा है, इसको आप डायरेक्टर बना देते हो तो ये फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में आएगा या नहीं आएगा? दिल को पूछो, जवाब मिल जाएगा, अपने दिल को पूछो, क्योंकि ये जो प्रोविज़न है ये प्रोविज़न उन्होंने ओपन एंडेड रखी है, क्योंकि वो जानते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में नॉमिनेशन होता है और जो भी लिस्टेड बैंक से उसमें 2-4 डायरेक्टर्स इलेक्ट होके आते हैं, वही लोग इलेक्ट होके आते हैं, उनके टर्म 6 साल के ऊपर बंद करवा दिए हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो 8 साल की टर्म है उसके बाद क्या, पब्लिक सेक्टर बैंक को तो ऐसा है कि भाई 6 साल तुम डायरेक्टर हो गए ना, उसके बाद ज़िंदगी में डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होगा पता नहीं, शायद इसी तरह से होगा,
क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट कहाँ पे आता है, आप और हम सब कॉपरेटिव बैंक्स चलाते हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट बता के नहीं आता है, वो कृति में आता है, हमारी एक्शन में होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, यार इसको 2 करोड़ देना है अपने को, लेकिन ये रेट इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, देयर कुड बी अ वेस्टेड इंटरेस्ट, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं। अरे यार मेरा ये बंदा है, इसको आपको ऑफिसर का लेना है बैंक में, पैसे का लेन देन नहीं है लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, वो बंद होना चाहिए। तो आप, मुझे लगता है कि मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया जो 10 सवाल है, जिसका जवाब मेरे पास भी इस वक्त पक्का मौजूद नहीं है, लेकिन इस तरह से हो सकता है। सर माधव बोधवानी, जनरल मैनेजर हस्ती बैंक दोंडाईचा। ओके सर, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो जो डायरेक्टर्स को फिट प्रॉपर क्राइटेरिया का क्राइटेरिया लगा रहे, तो डायरेक्टर जो इलेक्ट होता है वो जनरल सभी शेयर होल्डर्स में से होता है, तो इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कि भाई वो शेयर होल्डर्स जो है वो इलेक्ट होगा, तो इसका मीनिंग ये है कि शेयर होल्डर्स को भी जिसको करना है वो फिट प्रॉपर क्राइटेरिया लगाना होगा, नहीं तो वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई जो 8 साल का क्राइटेरिया लगा रहे, भाई 8 साल के बाद में वो डायरेक्टर नहीं हो सकता है, तो ये भी अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्यों कि भाई आज तक कोई लॉ ऐसा नहीं हुआ कि म्यूनसिपल में, विधानसभा में या लोकसभा में भाई सर्टन ईयर्स तक ही रह सकता है, बाद में नहीं रह सकता है। ये चीज़ों में आप जैसे ने वहाँ डिप्यूट करके बोलना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन थे। फिर से पहले पार्ट में बोलता हूँ, अगर दूसरा पार्ट में भूल गया तो आप बताना, क्योंकि मेरा ब्रेन आपके पहले सवाल पे पहले काम करेगा। तो आप जो कह रहे हैं ना, उसमें लॉजिकली 2-3 चीज़ों का आप विचार कीजिएगा। आप जो धंधा करते हैं ना, खुद के पैसे से नहीं करते, आप डिपॉजिटर्स मनी से काम करते हैं। व्हेन योर रॉ मटेरियल इज डिपॉजिटर्स मनी, यू डोंट ओन दैट मनी। ये सब जो हो रहा है ना, इसमें एक मीठा कवर रिजर्व बैंक में दे दिया है। आप हर एक चीज़ देखो, हर एक सर्कुलर देखो, टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, कुछ भी हो, वेदर CBS हो या ये हो, फलाना हो, ढिमका हो, डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट हर जगह पे वो चीज़ आती है। और आजकल हर जगह पे चीज़ आ रही है रिस्क मैनेजमेंट, जिसके बारे में थोड़ा डिस्कशन दोपहर के सेशन में होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा लॉ नहीं है या इस ये कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज हो सकता है ये एरिया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन आप कैसे कर सकते हैं? रास्ता है सर, मैंने यही है, आपके जो मन में है ना वो मैंने लिख के हमारे जो मुकुंद चित्रे जो CA हैं, मेंबर ऑफ द कमिटी है वो, और ज्योतिन्द्र भाई मेहता, दोनों को दिए हैं, हमारे फेडरेशन में भी दिए हैं कि 15 लोग जो मेरा इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो 15 लोग तय करने वाले लोग ये फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करेंगे, मुझे तो पता नहीं है। यहीं पे जो दूसरे गाइडलाइंस आए हैं ना, उसका मतलब आपको मिलता है। उन्होंने क्या किया है, MD कंपलसरी कर दिया है। MD या होल टाइम डायरेक्टर कंपलसरी कर दिया, उसकी वजह यही है कि ये जो MD वाला बंदा है ना, ये VR Act इम्प्लीमेंट करेगा, डायरेक्टर्स नहीं। तो MD की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी दैट ही विल इम्प्लीमेंट दिस ऑल दिस प्रोविजंस। अभी डिस्कशन में जो चल रहा है वो ऐसा है कि जैसे मेरे बायलॉ में 15 डायरेक्टर्स है, उसमें से 2 महिलाएं हैं, रिजर्व कैटेगरी है, फलाना है, डिमका है, जो भी है वो। 10 सीट्स मेरे यहाँ जनरल है। अभी 15 सीटों में से
अनलेस यू मॉडिफाई योर बायलॉज, आपको ये परेशानी सताने वाली है। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, 15 में से आपको 8 सीट रिजर्व्ड फॉर फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। आप समझ रहे मेरी बात, ये हुआ नहीं है लेकिन थियोरेटिकली मैं बोल रहा हूँ, रिजर्व्ड फॉर फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। जो बंदा फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में बैठता है वो ये 8 सीट में कॉन्टेस्ट कर सकता है, बाकी के 8 सीट पूरी दुनिया के लिए, 7 सीट पूरी दुनिया के लिए। अब ये अप्लाई कैसे होगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, क्योंकि महिला में भी फिट एंड प्रॉपर मिल सकती हैं, अदर रिजर्व कैटेगरी में भी मिल सकती हैं। तो 8 सीट एंट्री लेवल पे अगर फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में अगर वो करता हूँ तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट जब तक इसको अमेंडमेंट नहीं करवाती तुम कुछ नहीं करवा सकते हो। ये एक्सपर्ट कमेटी ने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही है कि बीआर एक्ट अगर इम्प्लीमेंट करना है तो लेजिस्लेटिव एनेबलमेंट हमें करना चाहिए। सो व्हाट इज द लेजिस्लेटिव एनेबलमेंट, लेजिस्लेटिव एनेबलमेंट इज सच वेयर द करंट प्रोविजन्स ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट शुड बी इन टेंजेंट टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन्स ऑफ बीआर एक्ट स्ट्रांगली। और इसीलिए मैंने ये कहा है कि ये जो 8 साल वाली चीज़ें या फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, हमें 2 साल दो, 2 या 3 साल दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। एज अ सेक्टर मुझे आप बताओ, 2003 में माधवपुरा का एपिसोड हो गया, दो एक्सपर्ट डायरेक्टर लाने को कहा गया, बहुत हवा बनाई हमने कि हमें कहाँ से मिलेंगे एक्सपर्ट, सब बैंकों ने कंप्लाई किया। मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, किया ना कंप्लाई, कैसे किया, छोटी बैंकों ने भी किया, बड़ी बैंकों तो कोई सवाल नहीं आता है। इसी तरह से ये जो अमेंडमेंट्स आई हुई हैं, थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा ग्रे एरिया रहेगा, थोड़ी धक्का मुक्की होगी, लेकिन ये हो सकता है। मेरा ये मानना इसीलिए है कि जो स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि कॉपरेशन हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह रहा है कि बैंकिंग हमारा सब्जेक्ट है। महाराष्ट्र स्टेट में एक मूव चल रही थी पिछले 4-5 साल से, जिसमें सतीश मराठे साहब भी थे जो रिजर्व बैंक के डायरेक्टर है, वो क्या मूव चल रही थी, स्प्लिट द स्टेट कोऑपरेटिव लॉ इनटू 10 डिफरेंट लॉज एज एप्लीकेबल टू वेरियस अदर सोसाइटीज। यानी तुम्हारा जो कोऑपरेशन में जो अलग अलग, जैसे हाउसिंग सोसाइटी है या फिर तुम्हारे फिशिंग वाले लोग हैं, इनकी जो सोसाइटीज़ है, इन सबके लिए अलग अलग कानून बनाओ स्टेट लॉ में, कॉर्पोरेशन स्टेट सब्जेक्ट है, बैंकिंग के लिए अलग बनाओ। तो जो बैंकिंग के लिए अलग बनने वाला है या बनाना चाहिए, उसमें इन चीजों के सवाल निकाले जा सकते हैं कि भाई 15 डायरेक्टर्स है, 15 डायरेक्टर्स में फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की 8 सीट रिजर्व है, वो किसी भी सब कैटेगरी में आ सकती है। तो जो तुम्हारा रिटर्निंग ऑफिसर होगा उसके ऊपर ये जिम्मेवारी आ जाएगी कि जो नॉमिनेशन आ रहे हैं वो नॉमिनेशन में से फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में कितने आ रहे हैं। तो एट दी एंट्री लेवल अगर ये कंप्लायंस होता है तो ये फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया डेमोक्रेटिकली भी आपको करना आसान हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे सवाल है इसमें जिसका जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस वक्त बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। एक्सपर्ट कमिटी को बीआर एक्ट के बारे में एडवाइस करने के लिए बोला गया था। आपको आश्चर्य होगा, एक्सपर्ट कमिटी के रिपोर्ट में बीआर एक्ट इंप्लीमेंट किस तरह से करना है कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, देयर इज द सब्जेक्ट इज स्टिल इवॉल्विंग, द सब्जेक्ट इज स्टिल डेवलपिंग। लेकिन एक चीज हो गई, रिजर्व बैंक तुरंत, जिसको हम मराठी में कहते हैं ना घाई घाई से, अर्जेंटली, आज अभी तुरंत, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज देयर वुड बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स, अनलेस दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड आंसर्ड प्रॉपरली, वो होगा नहीं। उसी तरह से ये 8 साल का भी होगा, 8 साल के लिए भी टाइम लगने वाला है, इम्प्लीमेंट तो वो होगा, हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि उसमें फेज डिफाइन नहीं हो रही है, फेज आज नहीं तो कल डिफाइन होगी। ऐसा हो सकता है कि भाई 2020 में जिन लोगों के इलेक्शन हो चुके हैं उनके, उनका टर्म पूरे होने के बाद में, पूरा होने के बाद में ये 8 साल का ये लागू होगा। ये मेरे इंटरेस्ट में, क्योंकि मेरे बैंक का अभी हुआ इलेक्शन फरवरी 20 में, तो मेरे डायरेक्टर ये चाहेंगे यार ये 5 साल के बाद करो, अभी क्यों झंझट लगा रहे हो। ऑब्वियसली फॉर वेरियस बैंक्स दिस वुड बी द इंटरेस्ट एंड दैट शुड बी द लॉजिकल थिंग।
एक आदमी चोर निकला मतलब 99 आदमी चोर नहीं है। मीडिया क्या करता है, ये पूरे 100 के 100 चोर है। मैं अभी नाम लेके बताता हूँ, जो अगर इसके बारे में कुछ और सब चाहिए छोटी एक जो चीज़ मैंने कराई है वो बताता हूँ। आप सबके पास सैमसंग मोबाइल है, आप सबके पास CNBC मनी कंट्रोल है, आप सबके पास गूगल के नोटिफिकेशन आते हैं। ये CNBC में उन्नी कृष्णन करके एक बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, ब्लूमबर्ग से CNBC में आया है। वो जब देखो तब अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को धोते रहता है। वो क्यों धोते रहता है, ही हैज अ मिशन कि सेक्टर ने अच्छा काम नहीं किया है। तो ये एक डेढ़ दो महीने पहले की बात है। मैंने उससे बात की कि यार PNB 13,000 करोड़ को लूटी गई है, उसको क्या लिखा आपने, लिखा कुछ, वो भी तो मेरा ही पैसा है। हमारे यहाँ एक बंदे ने गलत काम कर दिया, आप ऐसा लिखते हो कि 99 people आर बैड, दैट इज नॉट द स्टोरी। सो 2019 में जब ये हमारी बैंकों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त मैंने ये कहा था, क्योंकि वो PMC के होने के बाद 3 महीने के बाद कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरा ये मानना था कि नाउ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वुड बी अंडर द ग्लेयर ऑफ मीडिया। और हम लोग ग्लेयर में आज भी है। मीडिया क्या कर रही है आजकल, मीडिया आजकल इसको 25 लाख का पनिशमेंट, इसको 2 लाख का, इसको 5 लाख का, यही मसाला मार मार के तुम्हारे सैमसंग मोबाइल या कोई भी जो मोबाइल हो उसमें ये नोटिफिकेशन यही आते हैं। 2019 में कुछ 70-80 बैंकों को, कोऑपरेटिव बैंकों को पिनलाइज किया, किसी भी बैंक को तकलीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, हमारे मेंबर्स जो है वो भी आदि हो गए, दे हैव बिकम यूज्ड टू इट। क्योंकि रिजर्व बैंक ये जब पनिशमेंट करता है ना, नोटिफिकेशन निकालता है और नोटिफिकेशन में एक सेंटेंस लिखता है, वो ऐसे लिखता है कि भाई ये पनिशमेंट जो है इसका बैंक का फाइनेंशियल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे हो, तो जिनको पढ़ना आता है वो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जो बैंक टेक्निकली अच्छी तरह से कर सकते हैं वो ये करते हैं। दिस इज नॉट अ कॉमेंट ऑन अवर फाइनेंशियल स्टेटस, वी हैव फ्लाउटेड और मेड सम एरर्स, देयरफॉर द पनिशमेंट इज देयर। सो पनिशमेंट का डर तो एक ज़माने में था, 2018 के बाद में हमें पनिशमेंट का डर था, वो निकल गया, हमारे दिल भी स्ट्रांग हो गए, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देख लेंगे। तो मेरा कहना ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि BR एक्ट के वायोलेशन में 1000 बैंक आ रही है, जून में नोटिफिकेशन किया, सितंबर में लॉ पास हो गया, अक्टूबर में रिजर्व बैंक ने इंटरिम रिलीफ दिया, 5 महीने में ये जो सेक्शन 12 है BR एक्ट का सबने वायोलेट किया। अब सबको रिजर्व बैंक पनिश करेगी क्या, नहीं कर सकती, टेक्निकल वायोलेशन इज देयर बट दैट इज एट देयर डेस्क। और आजकल रिजर्व बैंक में तो उसके 4 भाग कर दिए जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को देखते हैं। आई एम सॉरी टू से लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल दिस 4 डिपार्टमेंट राइट हैंड डजंट नो व्हाट द लेफ्ट हैंड इज डूइंग एंड यू कांट हेल्प। वादली की थी, अरे बाबू खूब झाले, मुझे लगता है कि मी सुभाष बेलेकर, जुवाईजी सहकारी बँक इचलकरंजी कोल्हापूर। अभी मेरे 2 सवाल आहे छोटे से, कि अभी जिसका अभी कोरोना की वजह से 1 साल अगर आगे इलेक्शन हुआ है, अभी समझो गए साल होने का था, अभी 2 महीने में हो जाएगा क्या इलेक्शन, हाँ उनको अभी क्या करना चाहिए, शाम को बात करेंगे। और दूसरा सवाल है कि इसमें कोई BRI एक्ट में कोई क्राइटेरिया का कुछ है क्या, कि शेड्यूल बैंक 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ का ऐसा बैंक है, उसमें कुछ ऐसा उन्होंने BRI एक्ट में कोई ये किया है, शाम को करेंगे बात, चलेगा क्योंकि ये 2 मिनट में खत्म होने वाला नहीं है। ओके थैंक यू। या, या, या।